हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटेटिव फंडा। तो देखिए दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई है। आज दशहरे के दिन जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी भर्ती अनाउंस की है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो चलिए इस न्यूज़ को देख लेते हैं, क्या है ये न्यूज़। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है पुलिस में होंगी 56,880 भर्तियां। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों। तो चलिए इस न्यूज को पूरी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप फेसबुक पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं लेटेस्ट, वो सबसे पहले मैं आपको फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर मैं वीडियो नहीं बना पाता, या कभी मुझे कहीं जाना होता है तो वो सारी जो न्यूज़ होती हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो सबसे पहले आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको पूरा पढ़ते हैं कि इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसका कंक्लूज़न है और ये क्या है सारी चीज़ें, इसके पीछे क्या वजह है, ये क्यों आई है। तो ये सारी बातें मैं बताऊँगा आपको वीडियो के अंत में। तब तक के लिए मैं न्यूज़ के लिए पढ़ता हूँ। तो देखिए, इसमें जो दिया है, इसमें कहा है कि योगी सरकार ने दशहरे का तोहफा देते हुए पुलिस के 56,880 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। सिपाही, बंदी रक्षक, फायरमैन के लिए भर्ती 1 नवंबर से शुरू होगी और अगले वर्ष जुलाई के अंत तक चलेगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि DGP की ओर से यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो देखिए, ये तो दिया गया था। अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्या है देखिए, इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि 2018 में अर्हता से बाहर वालों को भी मौका। इसमें क्या है कि जो 2018 में कुछ 2017 में भर्ती आई नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए, तो उनके लिए 2018 में भी मौका दिया जाएगा, यानी एज को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनकी एज को 2017 के हिसाब से काउंट की जाएगी। अब ये बताते हैं दोस्तों कि कितने से कितनी एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए जो एज है वो 18 से 22 वर्ष रहेगी, और इनकी जो डेट है, उम्र है, वो 1 जुलाई 2018 तक क्या है कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा कावयादा है वो कितने 9 महीने में पूरा करना है, तो ये भर्ती बोर्ड का कहना है। आगे हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा होगी वो 300 अंकों की होगी, और जिसमें माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। और इसमें जो 4 सेक्शन होंगे, पहला सामान्य ज्ञान का, दूसरा हिंदी का, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथा मानसिक अभिरुचि का होगा। और जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो DVPST कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद जो है PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और देख लेते हैं दोस्तों, ये जो फायरमैन की, अभी आपने नोटिस देखा होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें आपको सारे बताया है फायरमैन और बंदी रक्षक के लिए जो भर्ती निकली है उसका जो आवेदन है कब से होगा और कब पेपर होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें देखिए दोस्तों, ये दिया है कि जो फायरमैन का ऑनलाइन आवेदन है वो 5 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे, और इसके लिए 10 जनवरी को इसका ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने कहा है कि जुलाई के अंत तक इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके जो फायरमैन की भर्ती है उसमें 1689 पदों के लिए प्रस्ताव लंबित है, ठीक है। और इसके लिए जो शेष 245 पदों के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जो पिछले DG फायर सर्विसेज के जो 245 पदों को भी इसमें शामिल किया जाना है। उसके बाद दूसरा बता दूं, एक बंदी रक्षक की भर्ती निकली हुई है, जिसमें जो है 3,012 पद पुरुषों के और 6,026 पद महिलाओं के लिए हैं। इसके लिए भी आवेदन 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक लिया जाएगा, और इसकी जो परीक्षा है वो 8 व 9 जनवरी को होगी, और इसका जो अंतिम परिणाम है वो जुलाई में घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें जो माउंटेन पुलिस के 102 पद हैं उसको भी जो एग्ज़ाम होगा वो भी इसी अवधि के बीच होना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारा प्रोसीजर है, 9 महीने के भीतर इस भर्ती को पूरी कराने का जिम्मा लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो
तो देखते हैं ये कहाँ तक ये पूरा हो पाता है या नहीं, तो इसके बारे में तो आगे ही पता चले। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट थी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है युवाओं के लिए जो कि पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से बहुत वैकेंसी नहीं आ रही थी और अब जो हैं 56,880 भर्तियाँ आ रही हैं यूपी में, तो बहुत ही बड़े लेवल पर भर्तियाँ हैं दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप इसकी तैयारी कीजिए। देखिए जो भी हो, इसका अभी आगे का इनका कहना है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा या जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो वो बात की बात है, हो सकता है, क्योंकि यूपी है, यहाँ तो चेंज होते ही रहते हैं, कभी कोई डेट पर कुछ होता ही नहीं है, और कभी कभी तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लग जाते हैं भर्तियों को। पुरानी भर्तियों को आप देख सकते हैं, 2013 की अभी पेंडिंग है यूपीएसआई, 2016 की जो भर्ती है वो अभी तक नहीं होना चाह रही है, रिजल्ट रुका हुआ है बस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, कहीं ना कहीं ये अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो हमारे युवा हैं उनके लिए एक लॉलीपॉप है, और इसलिए ये उन्होंने भर्ती निकाली है। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए, और जो आवेदन है आप 5 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। थैंक यू, जय हिंद।